हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम मैथ का चैप्टर सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास सिक्स मैथ का सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर का नाम जो जिसका नाम है हमारे क्लास में होल नंबर या पूर्ण संख्या। अब होल नंबर या पूर्ण संख्या आप इसके बारे में जानते होंगे, तो भी एक छोटा डिटेल दे देता हूँ होल नंबर क्या होता है। जैसे कि अगर मैंने आपसे पूछा कि आपने नेचुरल नंबर पढ़ रखा होगा, नेचुरल नंबर ये हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। होल नंबर, होल नंबर का मूल्य पूर्ण संख्या है। अब देखिए होल नंबर और नेचुरल नंबर फर्क क्या है। होल नंबर वो नंबर होता है जो स्टार्ट करता है जीरो से, जीरो वन टू थ्री और ये सो ऑन इनफिनिटी तक। बस दोनों डिफरेंस कितना है, जो नेचुरल नंबर होता है वो वन से स्टार्ट होता है, जो होल नंबर होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है। अगर किसी को कन्फ्यूजन हो कि हाँ होल नंबर में कैसे पहचाने कि होल नंबर है कि नहीं है, मतलब होल नंबर किससे स्टार्ट होगा, तो देखो होल मतलब देखो आपको होल मीन्स क्या होता है आपका जीरो। तो होल मीन्स क्या होता है, होल में गड्ढा गड्ढा मीन्स क्या होता है जीरो। तो बेसिकली हम क्या बोलते थे वो होल नंबर को हम बोलते हैं जो जीरो से स्टार्ट होकर अनंत तक जाए। और नेचुरल नंबर क्या होता है आपका, नेचुरल नंबर वो होता है जो वन से लेके अनंत तक जाए, इन्फिनिटी तक जाए। ठीक है, तो नेचुरल और होल नंबर यही जहाँ पर हमें पढ़ना क्या है, आज हमें पढ़ना होल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर के बारे में हम जानते हैं, आज होल नंबर के बारे में पढ़ना है। अब होल नंबर कुछ भी हो सकता है, जैसे मैं आपको बोलूँ वन आपका होल नंबर, अगर बोलूँ ट्वेल्व आपका होल नंबर है, फिफ्टीन आपका होल नंबर है, सो मतलब जितने भी आपके नंबर आएंगे वो सारे आपके होल नंबर होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक अगला टॉपिक आता है जिसमें आपका मतलब इसमें चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चैप्टर के अंदर कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो बताना चाहता हूँ। भाई पहला वर्ड मेरा आता है प्रेडेसेसर, जिसे हम पूर्ववर्ती बोलते हैं, और एक सक्सेसर सक्सेसर आता है जिसे हम प्रवर्ती बोलते हैं। दोनों पर क्या है, पूर्ववर्ती पूर्व मतलब पहले, और अगर जिसको ना समझ यहाँ देख सकता है ये आपका प्री, प्री मीन्स होता है प्रीवियस, प्रीवियस मीन्स पहले, और सक्सेसर मीन्स, सक्सेसर मीन्स क्या होता है बाद में। अगर अगर आपको देखना सक्सेसर, आपने बहुत सुना होगा सक्सेस मतलब सफलता, आपको सफलता कब मिलेगी, जब आपको एग्जाम पास करोगे, आपने कुछ जो आपकी इच्छा वो पूरी हो जाए सक्सेसफुल, तो वो कब मिलता है आपको बाद में। अगर आप पढ़ाई आज करें तो उसका आपका जो रिजल्ट मिलेगा बाद में मिलेगा, तो हम बोल सकते बाद में, बाद या बोल सकते आफ्टर। दोनों का फर्क कितना है, प्रेडेसेसर में हम पहले प्रीवियस नंबर की बात करते हैं, सक्सेसर में हम नेक्स्ट वाले नंबर की बात करते हैं। एग्जाम्पल तौर पर अगर मैं आपसे बोलूँ, एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मेरे पास एक नंबर है जैसे ट्वेल्व है ना, और एक नंबर मेरे पास फोर्टीन। अब देखिए ट्वेल्व मेरे लिए क्या नाम है, होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, और फोर्टीन भी मेरे लिए क्या है, पूर्ण संख्या है। अब दोनों का फर्क क्या है, देखिए मैंने बोला अगर मुझे इसी ट्वेल्व नंबर का मुझे क्या नाम है प्रेडेसेसर निकालना है, सक्सेसर निकालना है, तो प्रेडेसेसर मीन्स क्या होता है, प्रेडेसेसर में हम क्या करते हैं माइनस वन, इसमें प्रेडेसेसर में माइनस वन करेंगे और सक्सेसर में हम क्या करेंगे प्लस वन। दोनों पर कितना है, जब भी हम प्रेडेसेसर की बात करेंगे तो माइनस वन करेंगे और सक्सेसर की बात करेंगे तो हम प्लस वन की बात करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मुझे इस नंबर का बोला कि आपको इसका पूर्ववर्ती निकालना है, ये प्रेडेसेसर निकाला था, मैं क्या करूँगा इस नंबर में, मैंने बोला प्रेडेसेसर में माइनस वन करते हैं माइनस में, तो कितना है आपका ही जाना। ये भी देखिए ये भी मेरे लिए क्या नंबर था, ये मेरे लिए होल नंबर था, मैंने इसमें से एक नंबर मैंने माइनस किया तो भी मेरे पास एक होल नंबर ही आया। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। अब अगर मुझे इसी नंबर को बोलना है कि इस नंबर का मुझे सक्सेसर निकालना है, ये परिवर्तित निकालना है, परिवर्तित में हम वन क्या करते हैं प्लस करते हैं, ये आपका प्लस में हो जाएगा, तो आपका ये आंसर आ गया फिफ्टी। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल लेते थे आपके क्वेश्चन में, जो मतलब जो क्वेश्चन बोला जाएगा एग्जाम में, जैसे आपके कुछ बुक के अंदर कुछ क्वेश्चन है, जैसे मैं एग्जाम्पल बना देता, जैसे इस नंबर को आपको प्रेडिसेसर भी निकालना है, प्रेडिसेसर भी निकालना है, सक्सेसर भी निकालना है, पूर्ववर्ती भी निकालना है, परवर्ती भी निकालना है। अगर जब मुझसे बोला इसका पूर्ववर्ती निकालने के लिए, जब बोले पूर्ववर्ती मतलब प्रेडिसेसर निकालने के लिए, तो मैं क्या करूँगा इसमें से वन माइनस कर दूंगा, तो आपका कितना जाएगा सिक्स में से बन जाएगा फाइव, बाकी आ जाएगी सेवन फाइव फोर, ये आपका क्या हो गया प्रेडिसेसर जिसे पूर्ववर्ती बोलते हैं। और इसी नंबर का अगर उसने बोला कि आपको सक्सेसर निकालना है, परवर्ती निकालना है, तो आप मैं क्या करूँ परवर्ती में हम क्या करते हैं वन प्लस करते हैं, तो मेरा ये आ जाएगा आपका सिक्स वन सेवन ए सेवन ए फाइव टू और फोर।
तो ये आपका प्रेडिसेसर, पूर्ववर्ती, ये आपका सक्सेसर, ठीक है। दोनों में इतने का छोटा डिफरेंस है दोनों के अंदर। जब भी प्रेडिसेसर की बात करें हम वन माइनस करेंगे, और जब भी सक्सेसर की बात करते हैं हम क्या वन प्लस करते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे बुक के अंदर, कुछ ट्राइज के एग्जाम्पल रखे, जैसे वन लैक। अब इसने बोला कि राइट इसका मुझे करना, इस नंबर का मुझे प्रेडिसेसर सक्सेसर दोनों निकालना। प्रेडिसेसर निकालने के लिए पूर्ववर्ती निकालने के लिए वन माइनस कर दूंगा। तो देखिए इसमें जाएगा कि हम क्या लिख देंगे, वन इसका वन वन वन, ये कितना लास्ट में कितना हो गया टेन, टेन में से नाइन बन जाएगा नाइन, और यहाँ पे कितना हो जाएगा नाइन, ये भी कितना हो जाएगा नाइन, ये भी नाइन और ये भी नाइन। तो ये आपका प्रेडिसेसर हो गया। सक्सेसर बोले तो इसी अमाउंट के अंदर हम वन प्लस कर देंगे, वन जीरो 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 वन। तो ये मेरे लिए क्या हो गया, ये मेरे लिए प्रेडिसेसर हो गया, ये मेरे सक्सेसर हो गया। तो अभी तक के लिए ये टॉपिक था आपका कि प्रेडिसेसर और सक्सेसर में क्या फर्क होता है। जब भी प्रेडिसेसर की बात करते हैं वन माइनस करते हैं, जब भी सक्सेसर की बात करते हैं हम प्लस करते हैं, ठीक है। तो आइए आगे स्टार्ट करते हैं फिर टॉपिक क्या आपका। अब हम अगर सक्सेसर की प्रेडिसेसर के अलावा और क्या बात कर सकते हैं इसके अंदर टॉपिक के अंदर। एक आता है आपका होल नंबर, होल नंबर के बारे में आपको बता दिया होल नंबर क्या होते हैं। इसके बाद आता है आपका टॉपिक नंबर लाइन, नंबर लाइन। आप इसी हिंदी में नंबर लाइन बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं कि लाइन में जाकर नंबर संख्या, संख्या रेखा हम इसे बोलते हैं हिंदी में। संख्या रेखा, अब देखिए संख्या रेखा, देखिए संख्या जानते हैं हम, रेखा को संख्या मतलब नंबर, कोई भी नंबर होता है, रेखा लाइन। अब देखिए लाइन हम ड्रॉ करते हैं, आपका ये जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। अब एक नंबर है, आप उस नंबर पे आगे इसने बोला इस नंबर पे आपको ड्रॉ करने की होता है, इस नंबर पे एग्जाम्पल जब बोला फोर, तो आपको पता फोर कहाँ है, तो आप इसे ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर आपसे इसने बोला इसमें हम चार तीन तरह की एक्टिविटी करेंगे, पहला मैं कह रहा हूँ एडिशन, जिसे बोलते हैं योग, है ना। एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने बोला आपसे अगर मैं टू के अंदर टू ऐड करता हूँ ना, हमें पता है मैं टू के अंदर टू ऐड करूँ कितना आएगा, हमें सबको पता है टू के अंदर टू ऐड करूँ कितना आएगा फोर, है ना। बट मुझे अब इसे नंबर लाइन दिखाना है, मेरे पास कहाँ है ये टू, ये टू, अब टू के अंदर मुझे क्या करना, टू ऐड करना है वन टू, तो टू ऐड करने पे क्या आया मेरे पास में फोर। तो ये मेरे लिए आंसर कितना आया फोर, ये नंबर लाइन को शो करने का तरीका है। अब अगर मैं इसी नंबर को एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे बोला टू में फाइव ऐड करना, तो टू में फाइव ऐड करने की बात करें तो ऐसे करना है वन टू थ्री फोर फाइव, तो आपका आंसर कितना आया सेवन, तो इसमें ऐड करना। अब अगर इसी क्वेश्चन के अंदर, अगर इसी क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बोलता करने के लिए सब्ट्रैक्शन बोलता है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। अब इस नंबर लाइन को मुझे बोलता है सब्ट्रैक्शन। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ अगर आपके पास एग्जांपल लो एट माइनस थ्री, मतलब आठ में से तीन माइनस करना है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन वाला टॉपिक कर रहा हूँ घटा वाला, तो आठ में से तीन माइनस करना, हमें पता सबको पाँच आएगा, बट यहाँ पे शो करने का तरीका है कि नंबर आठ में से कितना कम करना है मुझे तीन, वन टू थ्री, तो आपका आंसर कितना आएगा फाइव। अगर मुझसे बोला प्लस करने के लिए तो आठ में तीन प्लस करता उधर जाता, मगर बोला आठ में तीन मुझे माइनस करना है उधर आएगी, है ना। एग्जाम्पल तौर पर एक और लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे नाइन में से आपका कितने जाएगा फाइव जाएगा, हमें सबको पता फोर आएगा, बट कैसे देखिए वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव माइनस कराना फाइव का कितना आया आंसर, हमारा आंसर कितना आया फोर, ठीक है। तो ये सब्ट्रैक्शन में हो गया, नंबर लाइन पर ड्रॉ करने का है। एक इसी तरह आपका आता है मल्टीप्लाई, मल्टीपल या मल्टीप्लाई बोलते हैं, जिसे बोलते हैं गुणा, मल्टीप्लाई बोलते हैं गुणा। अब देखिए मल्टीप्लाई वाले केस में सेम जो भी हो गया, नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट
9, 10. अब इस नंबर लाइन को मुझे ड्रॉ करना है ना, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अगर उसे बोलता है ऐसे कि 2 × 3, मतलब मुझे 2 को कितने में मल्टीप्लाई करना है, 3, हमें पता 6 आएगा, बट मुझे यहाँ देखना पड़ेगा कैसे। देखिए अगर मुझसे बोला 2, मैं कहाँ पर हूँ, 2 ये रहा। अब बोला 2 को मुझे कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3 बार। तो देखिए जब 2 का कितने बना रहा है, 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3 बार मल्टीप्लाई करना है, ध्यान देना 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3 बार। तो अब मैं 2 से स्टार्ट करूँ, 2 क्या है, कितने का गैप बोला है इसने, 3 का गैप बोला है, 2 से कितने मल्टीप्लाई है, 3, ये हो गया आपका 6। पहले मैं 2 पे था, 2 को मैं कितनी बार मल्टीप्लाई करूँगा, 3 टाइम मल्टीप्लाई करूँगा, 2 पे मैं आ गया उसके 3 बार, 1, 2, 3। बस अगर इसने 2 का गैप दिया, 2 2 के करेंगे, अगर यहाँ पर मुझे ऐसे बोले था 4 × 3 12 होता, अगर मैं इसे बढ़ाता हूँ 1 1। अब अगर मुझे 4 को 3 में मल्टीप्लाई करना, तो मैं कितने कितने गैप लूँगा, 4 4 का गैप लूँगा। अब देखिए यहाँ पे था 4 4 गैप जो ना, तो मतलब 4 पे था, 4 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना, 3 बार। देखो 4 पे ये पहला बार हो गया, अब मेरे सेकंड बार कहाँ जाएगा, 4 का गैप होगा, 4 का, जब बोला 4 का गैप तो 4 4 का, जब इसने बोला कितना 4 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना, 3 बार, तो मैं कितने गैप लूँगा, 4 का गैप लूँगा, 3 बार। तो पहली बार तो गैप हो गया, देखो 0 से 1 तक तो गैप हो गया 4 है ना, 4, फिर 4 से एक बार जाएगा 4 तक, 1 2 3 4, 2 बार हो गया। फिर तीसरी बार में 1 2 3 4, तो यहाँ पर कितना जाएगा आंसर, यहाँ पर आंसर आएगा 12। तो आपका आंसर आएगा कितना, बट देखना है ये कितने हैं, अगर इतने 4, तो हम 4 से स्टार्ट करेंगे, बट याद रहे मैंने 2 इसे एक बार क्यों काम किया, 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना, 3, तो 0 से लेके 2 तक कितनी बार आ गया, 1 टाइम में आ गया, 1 बार में पहली बार आ गया, दूसरी बार में 2 का गैप रहेगा, क्योंकि 2 2 का गैप बोला लेने के लिए, तो यहाँ पे 4 आ गया, और कितनी बार 2 का गैप कितनी बार लेना, 3 बार, तो 0 से लेके 1 बार तो गैप यहाँ हो गया, फिर दूसरा 2 से 4 तक का 2 गैप हो गया, और 2 से 4 से 6 तक का गैप 3 बार हो गया, ठीक है। तो नंबर 9 पर ड्रॉ करने का तरीका ये होता है, बस यहाँ पे 3 एडिशन बोल रहा, सब्ट्रैक्शन बोल रहा, मल्टीप्लाई बोल रहा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ तक एक टॉपिक और है जो खत्म हो गया, अब आगे पढ़ते हैं। तो आपके यहाँ तक टॉपिक आपके खत्म हो गए, अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे आते हैं हम, ठीक है। जितना भी मैंने टॉपिक बताया वही इसी को यूज करके हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशन निकालें, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1, सॉरी एक्सरसाइज है आपका 2.1, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, आपसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर आफ्टर, आपको 3 प्राकृतिक संख्या लिखनी है, किसके बाद लिखनी है, 1 0 9, इसके बाद 3 प्राकृतिक संख्या लिखनी है, इसके बाद इसने बोला राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर आफ्टर, इसके बाद 3 नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर आपको पता है जो 1 से लेकर आता जाएगा, तो नेचुरल नंबर हम क्या आगे ही बोला, उसने बोला आफ्टर दिस, आफ्टर वाले में हमने क्या बताया था, सक्सेसर की बात करता है। देखिए अगर मैंने बोला 1 प्लस करा, आफ्टर बात करा, आफ्टर मैंने किसमें लिखवाया था, बाद वाला टॉपिक किसमें लिखवाया था, मैंने आपको सक्सेसर में लिखवाया था, सक्सेसर में हम क्या करते हैं 1 प्लस कर देते हैं, यहाँ पे वही करना पड़ेगा हमें, इसने इसके बाद बोले इसके बाद 3 आफ्टर 3, इन्हें यहाँ बोला है राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर, इसके बाद फिर नेक्स्ट 3 नंबर लिखना आफ्टर दिस, तो मैं क्या पहला नेचुरल नंबर ये, इसमें क्या करूँ 1 ऐड कर दो, 1 ऐड क्यों करें, यहाँ पे हम मानस क्यों नहीं करें, क्योंकि बाद की बात करें और बार बार आफ्टर वाले हम किसकी बात करें, सक्सेसर की बात करते हैं, परवर्ती वाले को बात करते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, कह जाएगा कितना, 9 में 1 प्लस होगा 1, कह जाएगा 1, फिर ये 0 कह जाएगा 1, 0 कह जाएगा 1, और आपका हो गया ये 1 1, आपका आंसर पहला, ये पहली प्राकृतिक संख्या हो गई, तो पहला क्या हो गया आपका, सेकंड बोला इसने, फिर यही नंबर में 3 इसके बाद का बोल रहा है, इसी में एक मैं करूँ दोबारा ऐड करूँगा, क्योंकि इसके बाद 3 बोला, तो जो मेरा नंबर है उसको भी 3 1 ऐड कर दूंगा, 1 0 0 1 1, तो सेकंड कितना आया 1 1 0 0 1, सेकेंड वाला नंबर मेरे पास आया नेचुरल नंबर ये, थर्ड वाला देखते हैं, इसी में मैं क्या करूँगा, इसमें दोबारा मैं ऐड कर दूँगा 3 बोला ना बात की, पहली बार सेकेंड टाइम ये थर्ड टाइम ये आ गया 2 0
0011, ये आपका आंसर क्या है, 3 पैकेट से क्या होते हैं 0011100, तो आपके 3 नेचुरल नंबर आपके दिए गए। ये बस दोबारा करते हैं, अगला क्वेश्चन बोल रहा है राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर आफ्टर दिस, है ना। आप देखिए उसने बोला 3 प्राकृतिक संख्या लिखनी है, प्राकृतिक संख्या लिखनी है इसके बाद, अब उसके बाद बोल रहा ना, बाद वाले केस में हम क्या करते हैं, बाद का मतलब आफ्टर, आफ्टर हम किस में यूज करते हैं, सक्सेसिव यूज करते हैं, और जब सक्सेसिव में आफ्टर यूज करेंगे तो वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, 1 प्लस कर रहे थे, तो इसके बाद बोला था मैं क्या, इस बार नंबर 1 प्लस करूंगा कितना है 11000 में भी बन रहा हो 11000, क्योंकि 3 बार बोला, एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीसरी बार 11000, एक में 1 द्वारा प्लस करूंगा 11000, तो मेरे को 3 नेचुरल नंबर आ गए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ था, क्वेश्चन नंबर सेकंड ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है राइट द 3 होल नंबर अकरिंग जस्ट बिफोर इट, आपको 3 होल नंबर लिखने, पूर्ण संख्या लिखनी है। आपको पता है नेचुरल नंबर और होल नंबर डिफरेंस क्या है, सिर्फ एक जीरो का डिफरेंस है, नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता, होल नंबर में जीरो से स्टार्ट होता फर्क है। ठीक है, तो यहाँ बोल रहे हैं क्वेश्चन बोल रहा है राइट द 3 होल नंबर, आपको 3 पूर्ण संख्या लिखनी है अकरिंग जस्ट बिफोर इतना, इतने बोला बिफोर मतलब पहले, किसके पहले बोल रहा है 1001, इससे ठीक 3 पूर्ण संख्या लिखनी है। आप पहले जब बोला पहले वाले केस में, पहले का मतलब, पहले मतलब प्रीवियस वाले केस में, मतलब प्रेडिसेसर की बात कर रहा है, जब प्रेडिसेसर की बात कर रहा है उसमें हम क्या कहते हैं 1 माइनस कर देते हैं, इसमें से क्या कहेंगे 1 माइनस, कितनी बार उसने बोला 3 बार, 3 बार हम 1 माइनस करेंगे 0001, तो पहला मेरा क्या नंबर आया। ठीक है, अब इसमें से मैं 1 माइनस करूँगा 9, फिर यहाँ बचेगा 9, फिर 9 बचेगा 9, तो सेकेंड आ गया कितना 30 आया, इसमें एक बार हो गया, दो बार हो गया, उसने बोला 3 करना है ना, तो 3 में से एक बार होकर वो माइनस, ये आपका 8 9 9 9, तो आपका आ गया 8 9 9 9, तो आपके 3 पूर्ण संख्या क्या हो गई, आपके 3 पूर्ण संख्या आपकी ये हो गई, है ना। तो इसने बोला जस्ट बिफोर, पहले पहले होल नंबर लिखना है, तो होल नंबर लिखने क्या, होल नंबर कोई फर्क तो है, जीरो स्टार्ट होता है, कहने मतलब वही बात होती है, जीरो स्टार्ट होता है, है ना, तो बाकी सब तो होल ही नंबर होते हैं। तो देखिए इसने बोला 3 मार बिफोर बोला था, मैं सब में से एक माइनस करता हूँ, जो भी मेरा आंसर आता है उसका एक माइनस करूँगा, है ना। तो लगातार 3 अंकरिंग जो लगातार नंबर है और नंबर ये निकल के आए, तो इसने बोला था बिफोर मतलब पहले की बात बोले थे, पहले की बोली थे मतलब हम प्रेडिसेसर की बात कर रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो ऐसे करके अगर आपका आंसर यहाँ साइड में ले सकते हो तो आपका क्या नाम क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है। अब सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, पूर्ण संख्या किससे स्टार्ट होती है, अगर मैं सबसे बात करूँ, अगर मैं पूर्ण संख्या बोलूँ 0 1 2, अगर 0 1 2 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 ऐसे करके आगे तक जाएंगे, ये हमारे लिए कौन सा पूर्ण संख्या होगी। अगर नेचुरल नंबर की बात होती है किससे स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 आगे, देखिए इन दोनों में अगर बोलो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, 1 या 0, तो मेरा आंसर कितना आएगा 0, सबसे छोटी पूर्ण संख्या मेरे पास क्या आंसर आया 0, तो मेरे सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी 0। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका ये था, इन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी आपकी, तो मैं बोलूँगा 0। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड यही तक था, क्वेश्चन नंबर फोर ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, हाउ मेनी होल नंबर आर देयर बिटवीन 32 से लेके 53 तक, 32 से 53 तक इसने बोला है यहाँ पे हाउ मेनी होल नंबर, इसमें कितनी पूर्ण संख्या होगी, मतलब इनके बीच में कितनी पूर्ण संख्या होगी ये बोला उसने। अब देखिए इनके बीच में इसने बोला कि 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्या होगी, इनके बीच में इसको छोड़ के इनके बीच में कितनी संख्या होगी ये निकालना है। अगर मैं इसे एग्जाम्पल लेने की बात करूँ, जैसे आपको समझाने के लिए बोलूँ कि 4 और 6, अगर मैं 4 और 6 के बीच में कितनी संख्या है, आपको पता, सबको एक ही पता है कि इसमें कितनी संख्या है 5, मतलब एक ही संख्या है इसके अंदर, तो इसके बीच में निकाल लेते हैं इसके अंदर कितनी संख्या है। अगर मैं एग्जाम्पल थोड़ा भाग लेता हूँ, जैसे कोई एग्जाम्पल मैं कर रहा हूँ 4 और 7, 4 और 7 के बीच में कितनी संख्या है, है ना, तो 4 और 7 के बीच में कितनी संख्या है 5, फिर कितनी संख्या है 2। तो अगर आप क्या, अगर आप बहुत ज़्यादा क्या करें उन दोनों माइनस कर लो, अगर बहुत ज़्यादा माइनस करें 4 बाय 7 7 में से 4 माइनस कर कितना आ गया 3, ठीक है 3 आ गया, इसमें इसको माइनस कर कितना आया 3, उसमें से हम क्या कर सकते हैं 1 माइनस कीजिए, तभी तो मेरा आंसर निकल रहा है। देखिए
इन दोनों में से मैं पहले 7 में से 4 माइनस करूं कितना आ रहा है मेरे पास में, 7 में से मैं 4 माइनस करता हूं कितना आ रहा है 3। जितना भी आपका आंसर है उसमें से और हमारे पास कितनी आ रही है, मेरे पास कितनी बीच में संख्या आ रही है 2 है ना मेरी संख्या। मगर यहाँ पे देखिए मेरे पास तो यहाँ माइनस करने में 3 आ रही है, मतलब मेरे लाना कैसे कैसे ला सकता हूँ मैं, अगर मैं इसमें 1 माइनस कर दूँ मेरे कितना आ जाएगा। अभी जैसे बात है दो एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे मैं एग्जाम्पल बात करता हूँ 12 और 17 के बीच में कितनी संख्या है तो के बीच में, तो मैं ऐसा ही हुआ 13 14 15 16 ठीक है, इसके बीच में कितनी संख्या है 13 14 15 16 इसके बीच में कितनी संख्या है 4 ना, यहाँ पे कितनी संख्या निकलनी 4। बट अगर मैं इसके बहुत सारे क्या करें इस पर इसको माइनस कर देंगे क्योंकि अभी छोटे है, देखिए ये छोटा नंबर है, मतलब जब मैं आपके बड़े बड़े नंबर आएंगे तो वहाँ पर अगर ऐसा करने लगे तो परेशान हो जाओगे। तो यहाँ पे हम 17 में से हम 12 माइनस करके कितना निकल के आ रहा है मेरे पास में 5 में आंसर निकल के आ रहा है 5 देखिए 5 मेरा आंसर निकल गया है। बट मेरे यहाँ दिखा रहा है कितने नंबर 1 2 3 4 तो मतलब मैं क्या करूँ उसमें से माइनस करूँ कितना आएगा 4 है ना। अगर मैं एग्जाम्पल लेने के लिए और बड़ा बात हूँ, अगर मैंने आपसे बोला कि 125 में से 125 और 147 के बीच में कितनी संख्या है तो आप इसके बीच में संख्या लिखोगे। अभी छोटा है जानवर और बड़े बड़े एग्जाम्पल है नंबर आएंगे तो क्या करोगे, इससे बढ़िया एग्जाम्पल मैंने क्या बोला 147 में से आप 125 माइनस कर दीजिए, ये आएगा 7 से 5 जाएगा 2 ये 2 0 बच गया 15 से 5 जाएगा 0 ये तो नहीं आएगा। इसमें से मैं कह रहा हूँ हमेशा सब में से एक एक मैं माइनस कर रहा हूँ तो इसमें से भी मैं एक माइनस कर दूँ मेरा आंसर कितना आएगा 21 तो मेरा आंसर कितना हो गया 21। तो आज तो यही क्वेश्चन फॉलो होंगे तो जितने भी नंबर आए इन दोनों के बीच में क्या करूँगा, इन दोनों के बीच में 53 में से मैं इसमें 32 माइनस कर दूँगा कितना आएगा 1 3 में से पड़ जाएगा 1 5 में 3 जाएगा 2। तो अब ऐसे आंसर आने के बाद मैं क्या करता इसमें से 1 माइनस कर देता हूँ तो मेरा आंसर कितना आएगा 20। तो मेरा कितने इसके बीच में कितनी संख्या है ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपका 12 हो जाएगा ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करते हैं। सर मैं सक्सेसर बोला इसलिए 1 प्लस कर देंगे, सक्सेसर में प्लस करना सिखाया। बी पार्ट करते हैं इसका 100199 इसमें से हम क्या करेंगे 1 प्लस कर देंगे सक्सेसर बोला 0 0 2 0 0 1 तो आपका आंसर ये। तो ऐसे ही आपका ए पार्ट भी बी पार्ट भी ठीक है। तो अगर आपको करना है इसकी सेम एजिटी आगे क्वेश्चन है सी और डी पार्ट बिल्कुल एजिटी है, सब में क्या हमें प्लस ही करना है ठीक है। तो ये आपका क्या नाम है, अगर मैं इसमें करना चाहूँ 100999 इसमें मैं क्या करूँ सक्सेस बोला निकालने के लिए मैं सब में क्या करूँगा प्लस कर दूंगा 0 कह जाएगा 1 0 कह जाएगा 1 0 कह जाएगा 1 0 कह जाएगा 1 0 और 1 जाएगा 1 1 तो आपका आंसर ठीक है। इसका डी पार्ट है 2 3 4 5 6 7 8 क्या करना पड़ेगा मुझे इसके अंदर सक्सेसर बोला तो मैं क्या करना है इसमें 1 प्लस करना है तो इसमें 1 क्या करूँगा मैं प्लस 1 7 6 5 4 3 2 तो आपका आंसर ये आ जाएगा ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहे हैं यहाँ पे राइट द प्रेडिसेसर ऑफ इतना, अब इसका प्रेडिसेसर बोल रहे हैं निकालने के लिए, ये पार्ट दे दिया 94 का प्रेडिसेसर निकालना है। प्रेडिसेसर मींस मैंने क्या बोला था 1 माइनस होता है तो इसमें मैं क्या करूँगा 1 माइनस करूँ 90 ठीक है। आपका आंसर जैसे एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं क्वेश्चन, जैसे 10,000 लिख रखा है इसका प्रेडिसेसर निकालना है तो प्रेडिसेसर में क्या कहते हैं 1 में क्या करता हूँ माइनस करता हूँ तो माइनस 1 तो क्या हो जाएगा 0 में से 1 तो जाएगा तो मैं क्या करूँ हासिल लूँगा 1 1 1 कितना हो जाएगा 10 में से बन जाएगा 9 यहाँ कितना बचेगा 9 यहाँ पे कितना बचेगा 9 और यहाँ भी याद हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट देखते हैं इसका। आपका क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बोल रहा है कि 2
08093। आप क्वेश्चन नंबर एक बोला है कि इसमें बीच में आपको नंबर इसका प्रेडिसेशन निकालना है। प्रेडिसेशन में आप वन माइनस करते हैं, 10 में से बन जाएगा 9। 8 0 8 0 2। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको प्रेडिसेशन सक्सेसफुल क्लियर हो चाहिए, बाकी क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं हमारे इस वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर इसका बी पार्ट है, 7654321। इसका निकालना क्या है, प्रेडिसेशन। तो क्या करेंगे, 1 - 0 2 3 4 5 6 7। बस कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ यही करना है, एक बार में प्लस करना है, एक में माइनस करना है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 यहीं तक खत्म होता हुआ। डन। क्वेश्चन इन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द नंबर, आप देखिए, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर स्टेट विच होल नंबर इन द अदर। अब बताना है यहाँ पे, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर नंबर स्टेट विच होल नंबर इन द लेफ्ट ऑन द अदर नंबर ऑफ लाइन, नंबर लाइन। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 हल्का ट्रिकी है बट बहुत इजी क्वेश्चन, आपको मजा आएगा। तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, इन इज फॉलोइंग पेयर, आपको दो पेयर देते हैं, एग्जांपल तो यहां पे देखो पेयर जोड़ दे रखे हैं। अब देखिए इसे बोला इज अ फॉलोइंग पेयर स्टेट विच होल नंबर इज द लेफ्ट ऑफ द अदर नंबर ऑन द नंबर लाइन। इसे एक नंबर लाइन को ड्रॉ करना है, मैंने नंबर लाइन को बताया इस पे ना, तो मैं कहां से पता, 0 से लेके 1 2 3 से स्टार्ट करते हैं हम लोग ना, तो इसमें बताना है कौन सा नंबर किसके लेफ्ट साइड में है। आई हैव रिटन विच आल्सो राइट विद द अप्रिशिएट साइन, इसके बाद इसके साइन भी बताना है, इसमें कौन सा साइन लगेगा। तो आपको बताना है नंबर इन लेफ्ट ऑफ द अदर नंबर, कौन सा नंबर किसके लेफ्ट में है। बेसिकली अगर मैं बात करूं यहां पे लेफ्ट दी अदर नंबर ऑन द नंबर लाइन, लेफ्ट कौन सा नंबर। आप देखो मुझे अभी मेरे सब क्वेश्चन होते हैं, एक नंबर दो जो लेके नंबर लिए 530 और रखा 303, आप सॉरी 503 दे रखा, अभी नंबर तो दे रखा है। इसे बोल रहा है कि इसमें तो कौन सा नंबर एक नंबर के लेफ्ट साइड में है, इसका मतलब बोलो कि इसमें लेफ्ट नंबर, लेफ्ट में कौन सा नंबर रहेगा, 530 लेफ्ट में रहेगा या 503 ये लेफ्ट में रहेगा। आप देखो नंबर लाइन का ड्रॉ करना होगा, जैसे एग्जाम्पल दो मैं 500 करता हूँ, ऐसे जब 1 2 3 करके नंबर लाइन पे आएंगे तो 500 तक भी आएगा, एक टाइम आएगा 501 502 503 आ गए, और ऐसे करते करते कहाँ जाएगा यहाँ पर आपका 530। आप बताओ कौन सा नंबर लेफ्ट में है, तो 530 लेफ्ट में है या 503 लेफ्ट में, कौन किसके लेफ्ट में है। तो आप बोलोगे लेफ्ट में तो यही है हमारे उल्टे हाथ में बोलना पड़ता है ये, तो ये किस कौन सा लेफ्ट में पड़ रहा है 503। तो मैं इसे कैसे लिखूंगा, साइन भी लगाना मुझे 503, कौन सा पड़ा है ये छोटा है ना, किससे पहला तो ये वाला हो गया, पहले इसमें साइन लगाना था कौन सा बड़ा है, और साथ में लिखना है अब यहाँ पे लिखना है कौन सा किसके लेफ्ट में, ऐसे में 503 नंबर लेफ्ट साइड और 530। देखिए अब इनके में रहना है तो 503 संख्या 530 संख्या के लेफ्ट साइड बाई साइड में, बाई और है। देखिए सबसे पहले क्या लिखना है, बस मैं क्वेश्चन में पहले बोला था कि इसमें नंबर में से, इस नंबर में से सबसे पहले अगर मैं आपसे बोला जाए 530 ये 3 इसमें से कौन सा नंबर लेफ्ट साइड में होगा, तो वैसे नंबर लाइन का अगर मैं ड्रॉ करता, क्योंकि इसमें बोला नंबर लाइन का कौन सा नंबर लेफ्ट साइड में होगा, अगर मैं ऐसे देखा जाए लेफ्ट साइड में कौन सा नंबर है, ये नंबर है, बट मुझे नंबर लाइन पे इसमें बोला नंबर लाइन पे कौन सा नंबर लेफ्ट साइड में होगा, अगर मैं ड्रॉ करूँगा तो 503 इधर आएगा और 530 किधर आएगा, इधर आएगा, तो लेफ्ट में कौन सा नंबर है, किसी 530 के लेफ्ट में ये नंबर रहा, तो ये मतलब मेरे कौन सा है 530 में लिखो कौन सा नंबर किसके लेफ्ट में है, और बता दें जरूर नंबर कौन सा बड़ा है। जैसे एग्जांपल कुछ बड़े लेते हैं, जैसे यहाँ पे बी ले लेते हैं, पहले बताइए
5 3 5 30 5 70 और 3 0 7। सबसे पहले आपको बताना है कौन किसके लेफ्ट में। अगर मैं नंबर नाइन कैसे ड्रॉ करूंगा तो पहले आएगा 3 0 7, उसके बाद में आएगा 3 30 3 70। तो कौन किसके लेफ्ट में, तो बोलूँगा 3 0 7 नंबर इज लेफ्ट साइड ऑफ 360 370। तो यहाँ मतलब कौन सा मैं लिखूंगा, 307 संख्या है वो 370 संख्या के बाएं ओर स्थित है। ठीक है, तो आपको ऐसे करना। और बड़ा कौन सा आपको देख के बता सकते हो नंबर कि बड़ा कौन सा है नंबर, आपको बोलोगे नंबर तो आपका नंबर ऐसा लग जाएगा। जो जिस साइड नंबर बड़ा था उस खुला रहता है। क्वेश्चन इसी का सी पार्ट है, आपका सी पार्ट बोलना है 9 8 7 6 5 और आपका क्वेश्चन है 5 6 7 8 9। अब आपको बताना है इस तरह कौन सा नंबर बड़ा है और कौन किसके लेफ्ट साइड बैठा है। अब देखिए जो बड़ा होगा उसका पहला नंबर बड़ा ही होगा। नंबर देखिए यहाँ पहले देखते हैं परसेंटेज 1 10 100 1000 10000 10000 यहाँ तक भी है 1 10 100 1000 10000 मतलब इसमें 5 डिजिट है, इसमें भी 5 डिजिट है। तो मैं इन दोनों में क्या करता था, सब लास्ट का नंबर देखेंगे जो पहला फर्स्ट नंबर है, यहाँ 5 है या 9 है, तो बड़ा कौन सा है ये। तो अगर से मैं नंबर लाइन पर ड्रॉ करूँगा तो 5 इधर आएगा, 5 6 7 8 9 इधर आएगा। ये आपको करना नहीं, बस आपको अंदाजा है। और यहाँ इधर आएगा नंबर, तो बड़ा कौन सा निकला आपके पास में, पहला नंबर तो बड़ा ये निकला है। और लिखना कौन सा जो नंबर सेम है, लिखने का तरीका यही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका डी पार्ट करते हैं। 9 8 3 0 4 1 5 और एक नंबर है आपका 3 1 sorry 1 00 2 3 00 1। आप देखिए पहले नंबर डिजिट काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7। तो कौन सा बड़ा है हमारे जो जिसके डिजिट ज़्यादा वो बड़ा होगा, तो बड़ा कौन सा आ जाएगा आप बताइए। जब मुझे नंबर लिखना पड़ेगा, अगर नंबर आने में से ड्रॉ करूँगा तो ये नंबर कहाँ आएगा मेरे पास में, इधर आएगा लेफ्ट साइड में। और ये वाला नंबर कहाँ आएगा आपका, इस साइड में, क्योंकि बड़ा है। नंबर आने पर अगर मैं ड्रॉ करूँगा तो नंबर किस साइड आएगा, राइट साइड में। तो बड़ा कौन सा है, ये बड़ा निकल गया। और किसके लेफ्ट साइड में लिखने का तरीका आपको, आपको अंदाजा लगा कौन किसके लेफ्ट साइड में, ये नंबर इसके लेफ्ट साइड में, तो आपका आंसर ठीक है। तो आपका एक्सरसाइज लगभग आपके पास इसके बाद जो ट्रू और फॉल्स है तो आप यहाँ ट्रू फॉल्स है, जैसे तरीका 0 द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, ट्रू और फॉल बताना है। यहाँ क्वेश्चन पूछा है क्या 0 एक सबसे छोटा पूर्ण संख्या है, तो आपको पता है यस 0 क्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, आपको पता मैंने अभी बताया 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या यस। 0 द स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो यहाँ पर 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, यहाँ पर सॉरी गलत है, ये दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट दोबारा पढ़ते हैं। 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, आपको पता सही है। 0 सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, आपको प्राकृत संख्या पता नहीं, प्राकृत संख्या कितने स्टार्ट होती है, 1 से होती है, तो 0 तो आता ही नहीं है, तो मतलब क्या हो जाएगा रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है कि 400 ऑफ 339। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि 400 है जो 399 का प्रेडिसेसर है, 400 इज द प्रेडिसेसर ऑफ द 330। यहाँ बोल रहा है जो 400 है वो प्रेडिसेसर है किसका, 399 का। अब प्रेडिसेसर हम क्या करते हैं, 1 माइनस करते हैं, प्लस करते हैं, माइनस करते हैं। जब मैं इसमें से मैं माइनस करूँगा तो कितना आएगा 399, तो मतलब ये आंसर क्या हो गया गलत, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर सी पार्ट बोल रहा है 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, यस ये भी सही है, तो करेक्ट हो जाएगा आंसर। अब यह बोल रहा है 600 इज द सक्सेसर ऑफ 500, ये बोल रहा है 600 599 का सक्सेसर है, मतलब परवर्ती है। अगर मैं जो 600 है वो 599 का सक्सेसर है, मतलब परवर्ती है ना, तो किसका परवर्ती है 599 का। अगर मैं इसमें एक ऐड करता तो कितना आएगा 600, मतलब मेरा आंसर क्या है, यह करेक्ट दे रखा, ट्रू दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ऑल नेचुरल नंबर इज द होल नंबर, क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, गलत, क्योंकि नेचुरल नंबर में 0 आता ही नहीं है, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर, और क्या सारी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या बन सकती है, क्योंकि सारी पूर्ण संख्या होगी जो 0 से स्टार्ट होती है ना, तो 0 से स्टार्ट होता है उसमें 1 2 3 भी आता है, सारे जो पूर्ण संख्या वो नेचुरल नंबर भी हो सकती है। इसके बोला है द प्रेडिसेसर ऑफ आर 2 डिजिट नंबर इज नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर, आप बोल रहा है कि क्या 2 डिजिट का कोई भी नंबर नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर, कोई भी प्रेडिसेसर, मतलब प्रेडिसेसर के अगर मैं समझा रहा हूँ आपको, आप
जो प्रेडिसेसर की बात कर, प्रेडिसेसर मतलब पूर्ववर्ती, ठीक है, पूर्ववर्ती में इसने क्या बोला है कि कोई भी टू डिजिट का नंबर, कोई भी दो अंकों की संख्या का अगर इज नेवर सिंगल डिजिट नंबर, वो कभी भी सिंगल डिजिट का नहीं बनना, एक संख्या का नहीं बनता। आप देखिए एग्जाम्पल लेना, मैं अब मैं इसमें से अगर मुझे प्रेडिसेसर बोला बनवाइज करना पड़ेगा, तो कितना टू डिजिट का नंबर कितना वन डिजिट का हो गया, वन डिजिट का हो गया, और बोला नेवर, ये कभी भी नहीं होगा, मतलब ये भी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ बोल रहा है वन इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, जीरो होती है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी फॉल्स हो जाएगा, है ना। ये बोला द नेचुरल नंबर वन हैज नो प्रेडिसेसर, जो नेचुरल नंबर एक है उसका कोई भी प्रेडिसेसर नहीं है। अब जैसे मैं बोला प्रेडिसेसर मतलब क्या होगा, नेचुरल नंबर है, अगर मैं इसमें से क्या नाम है एक वन का कोई भी प्रेडिसेसर नहीं है, अगर मैं इसमें से मैं मान करता हूँ ये क्या होगा जीरो, जीरो क्या होगा मेरे लिए होल नंबर, तो मतलब क्या है होल नंबर आया, मुझे बोला नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूँ, मतलब ये स्टेटमेंट क्या, यहाँ बोला क्वेश्चन वन इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो वन इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। अब यहाँ बोल रहा है वन इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या कैसे हो सकती है, क्योंकि ये सबसे छोटी पूर्ण संख्या होने के लिए मैं अभी मैंने एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी, जीरो होती है, तो मेरे स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि वहाँ वन बोल रहा था। क्वेश्चन नंबर इसका बोल रहा है आई पार्ट बोला था नेचुरल नंबर वन हैज नो प्रेडिसेसर, अब बोला आई का जो नेचुरल नंबर वन है उसका कोई भी नो प्रेडिसेसर है। अब नेचुरल नंबर क्या आया देखो वन रहता है, वन का कोई भी प्रेडिसेसर नहीं है, अब मैं इसमें से वन मान करूँगा तो कितना होगा जीरो, और जीरो बनते मेरे से क्या नेचुरल नंबर हो जाएगा, मतलब ये स्टेटमेंट क्या है ट्रू है, मतलब सही है क्योंकि सही बोला है। क्वेश्चन नंबर इसमें जे पार्ट है था होल नंबर वन है नॉन प्रेडिसेसर, होल नंबर एक का कोई भी प्रेडिसेसर नहीं है, है और नंबर एक का कोई भी प्रेडिसेसर कैसे नहीं होता, इसमें वन माइनस करूंगा तो कितना आएगा जीरो, जीरो मेरे लिए क्या है होल नंबर, तो इसका प्रेडिसेसर है प्रेडिसेसर। इसमें क्वेश्चन नंबर बोल रखा है द होल नंबर 30 लाइज बिटवीन 12 and 11 and 12। अब देखिए एक होल नंबर दे रखा है 13, ये किसका पार्ट है आई का है, एक होल नंबर दे रखा है 13, आप बोले ये होल नंबर किसके बीच में है, 11 और 12 के बीच में है, ये 12 होल सही हो, ये तो बारह हमारे इसके बाद में यहाँ आना चाहिए, मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या है फॉल्स है। द सक्सेसर ऑफ टू डिजिट नंबर इज ऑलवेज आर टू डिजिट, अब सक्सेसर है टू डिजिट का नंबर होगा, अब जब कोई भी सक्सेसर मतलब मान लिया 10 ही ले लिया टू डिजिट, सक्सेसर में मैं एक प्लस करूँगा तो कितना जाएगा 11, तो इसने बोला जो सक्सेसर है परवर्ती है उसमें अगर मैं परवर्ती में कोई भी टू डिजिट की परवर्ती है मतलब दो अंकों की संख्या है अगर वो सक्सेसर होगा उसमें सक्सेसर मतलब मुझे वन ऐड करना पड़ेगा तो क्या हमेशा टू डिजिट का नंबर ही आएगा, तो हाँ हमेशा टू डिजिट का नंबर आएगा, मतलब ये मेरे लिए ट्रू है। तो ठीक है, तो आपका ये एक्सरसाइज मतलब 2.1 की एक्सरसाइज जो आपके यहाँ खत्म होते हुए, इसमें क्वेश्चन 80 है, इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं है तो मतलब ये आपकी एक्सरसाइज 2.1 खत्म होती है। तो प्लीज़ इसको क्या नाम है इसका जितने भी इसको करता रिवाइज कीजिए जाए, उसके दोबारा से आपका जो होमवर्क है इसे कंप्लीट करके अपने मतलब आपका होमवर्क इसमें क्या नाम है स्टडी मटेरियल में डाल दीजिएगा। ठीक है, तो ओके, थैंक यू।